डियर फ्रेंड, माय नेम इज किरण, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि और मेरे वालदैन, मेरे बहन भाई, हम सब गांव में रहे और वहाँ से मेरी शादी हो गई। पहले मैं 5 जमातें तक तो गाँव में रही, लड़कों के स्कूल में पढ़ी, और फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे शहर में भेज दिया लड़कियों के स्कूल में, तो हाई स्कूल में फिर मैं शहर में तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज चली गई, तो कॉलेज में मैंने बीए किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई, शहर में आ गई मैं। तो ये मेरा नया घर है जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये अभी बनवाया है, अभी 2-3 साल हुए हैं। पहले भी अच्छे घर में शादी हुई थी, जो मेरा ससुराल वाला घर था वो बहुत प्यारा घर है। गाँव में आ गई इंजीनियर हाँ, कितना प्यार है, मेहनत है। एक मुर्गी है, मुर्गियाँ मुर्गे देखो, बच्चे तो खुश हो जाएंगे। आओ आओ शिरोज, अच्छा दी ने माशा, चलो आओ अच्छा चलो मैं थी आई नहीं दीपक सारा अच्छा अच्छा का मतलब है रात रहो अच्छा खास तौर पे क्योंकि अपने घर के नाल सामने आंदा है ये रास्ता है ना वो मी हतरे क्योंकि मेरा बचपन इथे ही गुजरा है किथे गुजरे ज्यादातर इथे ही गुजरे बुआ के घर अच्छा ए बुआ का घर है ना पहले फोन तो कहीं वो जरा वो बाहर घर चले गए सारे लोग देखते तो फोटो बना लिए थे भज्जी पे हम कबूतर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम देख कई गई कि नहीं मैं शेखड़ी की धीया शेखड़ी की धीया कि नहीं हाँ मैं से हम येड़ी येड़ी सुधार सही हाँ आधी अम्मा तेरी मरेंदी है मैं गुआ बनी मैं आधी मैं कुमार लेते ही कुना मार मैं गुआ बनी हाँ अब देखिए इधर इधर आके आधे राजे ये देखिए ये मेरी छोटी सी गांव की मस्जिद है और इसमें अपने वाले साहब के साथ ईद वाले दिन ईद नमाज पढ़ने आती थी और वाले साहब के साथ ही मैं ईद नमाज पढ़ती थी जब मैं छोटी सी होती थी। ये उसी गाँव की मस्जिद है छोटी सी, ये मेरे घर के नज़दीक है। ये अभी मैं आपको घर दिखाऊंगी और घर घर ले चलती हूँ आपको, पहले मस्जिद ये हमारा घर होता था, ये अब मैं घर में एंटर होके आपको दिखाऊंगी अंदर से भी। ये मेरे वाले साहब ने जो घर बनाया था ये देखो, ये मेरा घर है, मेरे वाले साहब ने जो घर बनवाया था ये वही घर है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, आए देखे घर पे तो कोई और लोग बैठे हैं और ये सैन होता था, ये हमारा सैन होता था। ये हमारा गांव वाला घर है, तो हम छोड़ के शहर में चले गए थे मेरे भाई भी और हम भी। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी इधर ही हुई थी इसी घर में जहाँ से मैं दुल्हन बन के गई थी, तो रवाना हुई थी और आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है। तो यहाँ से फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए, हम शादी में गांव में आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, सबसे मिली हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ के और देख के वही सैन और वही यादें, वही मुझे याद आ रहे हैं। मेरे वालदैन हैं यहाँ, रात को चार पहिया निकाल के यहाँ हम लोग
है और जहाँ ऊपर बहुत अच्छी छत बनी हुई थी, अब तो उन्होंने तोड़ दी है। तो उस वक्त तो बहुत छोटी दीवारें होती थी। हाँ। क्या तू साक है? कोई बोतल और चाय वगैरह पी लें? तो मैंने कहा है नहीं, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। तो बस यही मैं घर दिखाने आई हूँ, अपनी यादों को ताजा करने आई हूँ। आप लोगों का बहुत इसमें ना पता क्या कहते हैं इसमें, इधर आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। सीढ़ियाँ, हाँ ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आके इन्होंने सेट किया हुआ है चूल्हा। और ये देखें इंजीनियरिंग देखें इनकी, ये मटके बने हुए हैं। और ये देखें, ये इसमें मैं पहले आग जला के खाना बना लेते हैं सालन वगैरह, और फिर बाद में इसमें ना रोटियाँ बना लेते हैं। अंदर बड़ा है, हाँ ये दो काम एक ही जगह पर हो जाते हैं। और यहाँ कोई चाय बनाना चाहे तो चाय भी बन जाती है। देखे इनकी इंजीनियरिंग देखे है, ये पक्के यहाँ के जो गांव के इंजीनियर हैं बनाए हैं। ये देख, ये जगह होती थी खाली, हम भी इसको इस्तेमाल करते थे, लकड़ियाँ वगैरह हम भी डालते थे। तो आज भी ये रोशनदान आज भी वैसे ही खड़ा है। ये मेरी हमसाई का होता था, गग्गो होते थे, गग्गो गग्गो नाम था, ये गग्गो का घर था ये पीछे वाला। ये मस्जिद है, मस्जिद दिखा दे छोटी। हाँ, मेरे घर के बिल्कुल करीब करीब ही में छोटी सी मस्जिद। जब पाकिस्तान बना सन 1947 में, तो हमारी फैमिलियाँ इधर से चले गए थे, हिंदू फैमिलियाँ थी। तो मेरे वाले साहब एक रह गए थे, यहाँ मुसलमान हो गए थे, और मुसलमान घराने में ही उन्होंने शादी की थी। फिर मुसलमान हो के तो यहाँ इस गाँव में शिफ्ट हो गए थे, यहाँ आ गए थे, और छोटी सी वो दुकान बनाई हुई थी यहाँ, ये चलाते थे। और हम बहन भाई सब यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, और फिर हम तालीम के लिए दूसरे शहरों में चले गए। मेरे वाले साहब ने हमें 5 तक तो आपको बताया, पहले भी मैंने लड़कों के स्कूल में यहाँ तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर हम शहर में, मेरे वाले साहब ने हमें शहर में भेज दिया, कुछ कभी रिश्तेदारों के घर और कभी कहीं कभी कहीं, और फिर हॉस्टलों में। और इस तरह हमने, मैंने कॉलेज की तालीम हासिल की, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। यहीं से ही मेरी रुखसती हुई थी, इसी घर से। तो यहाँ ही आए थे शहर के लोग, तो अब मैं शहर में रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है? तो आए बाहर की लोकेशन भी दिखाती हूँ, मेरे घर के बाहर क्या लोकेशन है। तो अब ये लोग ये रहते हैं यहाँ के गाँव के, तो जिक्र करना जरूरी है ना, हिंदू खानदान का था, मुस्लिम हुआ था, और मुसलमान घरानों में शादी हुई थी। मेरे अबू ने हज भी की थी, और अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की नमाज है, हम तो मुसलमान पैदा हुए हैं। मेरे वाले साहब मुसलमान हो गए थे, अब तो फौत हो गए हैं, तो बाकी सब फैमिलियाँ दिल्ली चले गए थे, चंडीगढ़, कुछ दिल्ली और कुछ इधर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अब भी हैं फैमिली, हमारा रब्ता भी होता है उनके उनसे, मगर हम पाकिस्तान में यहाँ गांव में आ गए थे मेरे वाले साहब, और हमने यहीं ज़िंदगी गुजारी। अब हम शहरों में रहते हैं, हमारे गवर्नमेंट की जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज की हुई है सब ने। मेरे वाले साहब ने हज की थी, मेरी वालदा साहब तो मुसलमान घराने के थे ना, तो इस वजह से हम सारे अब हज भी कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह में शिफ्ट हो गए। ये मेरा नवासा है, बेटी का बेटा है, और वो भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल फेसबुक पे दे रहे थे? वाल दोबारा करें आदि अल्लाह खुशी पे ही मेरे। हाँ सही, उन्हें उन्हें देखते हैं सहेली आई। हाँ इन्होंने हूँ तो पता है उम्र कितना तक आ जाए, शामिल है ते ए कीमती सरमाए है सारा, ए कीमती सरमाए साडे वालदैन नाल इन्हां दी जिंदगी गुजरी है, ते ए साडे वास्ते कीमती सरमाए है, वडेरे ने थोड़े बुजुर्ग हैं। हां ते मैं को इस गांव दे विच आ के ते सब तो ज्यादा खुशी इना नाल मिलन नाल थई है मेको। अरे मैं रे बाल ने दादा साहब जी के ओ जिंदा है। हां अल्लाह उना को और भी जिंदगी रखे। मैं इना को अक्सर याद करे नी अम्मी, याद है मेरा करे मैं दाइम को दोबारा बन जाते जिंदा हो, मैं इना को जिंदा मिलना चाहनी हां।
प्यार मोहब्बत चलोज इधर आओ, सारे कपड़े मैले मक्खन निकालते हैं। चलो मेरा गांव है जहाँ मैं पैदा हुई थी और बड़ी हूँ। गांव का नाम ये इस मेरे गांव का नाम दैम कोट है। हाँ, तेरा बिरादरी है। ये किरोड पक्का से 14 मील दूर है। सही है। ये तेरे क्या लगते हैं? दिया नैलसी से आप दी दिया नवांडी खेसी किरोड पक्का से के दरमियान में यानी 14 मील इधर से बनता है 14 मील नैलसी से बनता है। सही है, चलो आओ चले। यू समझे भाई गाँव है, मेरे वाले साहब मेरी वालदा का गाँव है। इसकी भी बनाते जाए। मेरा प्यारा गाँव है और मुझे बहुत खेत में हाँ एक खेत खिला रहे हैं। अच्छा अच्छा ये ला लड़का। अच्छा और ये भाई का घर है और ये अभी तमीर हुआ है, अभी ज्यादा तमीर है। अच्छा और ये अभी सही है तो फिर बहुत बेहतर होगा। अभी तो थोड़ा बन रहा है, ये ग्रासी लाओ ना। ये भी इसी गांव का है ना, ये डैम कोट है। हाँ। ये किरोड पक्का से और मेल्स के दरमियान में बॉर्डर पर है। किरोड पक्का और मेल्स के दरमियान में बॉर्डर पर है। और ये घर पीछे वहाँ से होके एक बिलियाना खेड़ दे। हाँ, पूरे गांव से घूम के और फिर हम आए हैं भाई के घर जहाँ हमारी दावत है, खाना है हमारा उधर। चलो ठीक है, इधर खाना खाएंगे फिर शाम को। उम्मीद है आपको मेरा गांव पसंद आ गया होगा।